पूरा देश इस समय आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के जश्न में सराबोर है। लोग हाथों में तिरंगा लेकर यात्राएं निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा की ग्राम पंचायत माटा में भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों ने आम जनमानस से अपील की कि वो अपने घरों पर तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाएं। 40 मीटर लंबा तिरंगा ध्वज देखकर गांववासी अपने आप उसे सलाम करने घरों से बाहर निकल पड़े। आज ये जो कार्यक्रम रखा है किस उद्देश्य से रखा गया है? हमारा भारत देश वो आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उसी क्रम में जो है अमृत महोत्सव के रूप में जो है आज कार्यक्रम घर घर तिरंगा की रैली आयोजित किया जा रहा है और हमारे पूरे 56 गांव पंचायत में जो है ये आयोजन प्रधान जी द्वारा और हमारे आंगनबाड़ी आशा बहू और जो भी हमारे सहयोगी साथी हैं सब लोग मिल करके जो है प्रत्येक गाँव पंचायत में ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है, जिससे जो है देश प्रेम के भावना जगाने हेतु जो है ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। ये कौन से ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत ये माटा है। अपना पद बता दीजिए सर। राम कुमार वर्मा, खंड विकास अधिकारी केंद्र। सर आपका? बलदेव प्रसाद कुशवाहा, ग्राम प्रधान माटा। ये आज कौन सा कार्यक्रम रखा है आपने? ये 15 प्रधानमंत्री के 75वां अनुसार जो 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम। अच्छा, तो इसमें कितने लोग शामिल होंगे आपके साथ? इसमें लगभग 250-300 लोग शामिल होंगे। जी।